आप अचित यहाँ पे बैठो। वेलकम टीचर। यस कम इन। मैडम ने तो तरस खा के उसे क्लास में ले लिया हाँ। लेकिन मैडम को कहा था पता था वो कितना पढ़ाई करने वाला लड़का है। मेरे क्लास में पहली दूसरी तीसरी सब एडमिशन फुल है। दसवीं कक्षा का एक ही विद्यार्थी और तू बाकी एडमिशन नहीं है क्यों? सबसे तू सबसे अच्छा। मैडम मेरी तारीफ कर रही लगता। सबसे होशियार सबसे टैलेंट नहीं है। नहीं है मैं ये तारीफ दिया कुछ सुबह का इसलिए दसवीं कक्षा के एडमिशन ही लेता नहीं है क्योंकि यहाँ तेरे जैसा तो स्टूडेंट है। सब बच्चे होमवर्क का निकालो। अच्छा होमवर्क क्या अभी देता हूँ मैडम। ये मैंने चेक किया मेरा होमवर्क। अरे मैं होमवर्क ही नहीं किया। अब टीचर पूछे तो क्या बोलो कुछ समझ नहीं आ रहा। सबने तो होमवर्क दिखा दिया। बेटा तेरा होमवर्क किधर है? अब मैडम को कुछ अच्छा ही बताना पड़ेगा। ओ मैडम कल मैं थोड़ा बिजी था। तो बिजी था क्यों? नारा मैं बिजी था क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तेरी और गर्लफ्रेंड? मैडम क्यों मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? कौन है वो लड़की? क्या नहीं बदनसीब? मैडम आपको क्या लगता है मुझसे प्यार करती है मतलब वो बदनसीब है? वो खुश नसीब है। होमवर्क तो किधर है? नहीं मैडम मैं अपनी कल गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था इसलिए मैडम निकल जा हमारे क्लास से। बेटा टीचर आपने मुझे बुलाया। मैडम आपने मुझे बुलाया। बेटा हाँ तेरा मोबाइल रख के जा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने वाला था तो सपना ही थी। आज संडे उसे छुट्टी है। वैलेंटाइन डे का प्लान आज ही करना पड़ेगा। उसने कहा था आज वैलेंटाइन डे का प्लान करके। मैडम ने क्लास से निकाल दिया मेरा मोबाइल भी रख लिया। अब क्या करूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो आइडिया आइडिया। मैडम टीचर। यस कम इन। आपके हस्बैंड आए आपको बुला रहे। आपके हस्बैंड सच में आए? हेलो जानू वो मेरे टीचर ने मोबाइल मेरा छीन लिया था फिर भी मैंने टीचर को झूठ बोल के मैंने मोबाइल ले लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसका कोई शक मत लेना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैडम को पता जब चला तब उसे क्लास में से भी निकाल दिया। मेरे टीचर से जुट गया कि वो काज बेटा गए पर काज बेटा है। तुम बात करो ना इस वैलेंटाइन डे हम क्या करेंगे? अच्छा ही गिफ्ट लाना कुछ बड़ा गिफ्ट लाना। बेटा मैडम मैडम आ गए। वो मैडम थोड़ा सुनना वो आपके हस्बैंड जैसा कोई था मुझे लगा आपके हस्बैंड आया।